नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अली फजल और रुचा चड्ढा ने कर ली गुपचुप शादी, मिर्ज़ापुर एक्टर के ने दिया हिंट। अली फजल ने शादी के बाद को एक बार फिर उठाई है। उन्होंने रुचा चड्ढा संग खुद की एक फ़ोटो शेयर करते हुए लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट में एक्टर ने कहा है कि रुचा, तुम सिर्फ मेरी बेगम हो। फैंस कयास लगा रहे हैं कि कहीं दोनों ने सीक्रेट शादी तो नहीं कर ली। बॉलीवुड एक्टर अली फजल और रुचा चड्ढा पिछले साल अप्रैल में शादी करने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। दोनों ही सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहे हैं, एक दूसरे के साथ पोस्ट शेयर करते रहते हैं। अक्सर दोनों शादी से जुड़ी पोस्ट लिखते हैं। हालांकि कुछ भी साफ तौर पर यह नहीं कहते हैं, लेकिन फैंस को वेडिंग के बारे में अपडेट ज़रूर देते रहते हैं। अब अली फजल ने शादी के बाद को एक बार फिर उठाई है। उन्होंने रुचा चड्ढा संग खुद की एक फ़ोटो शेयर करते हुए लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है। अली ने लिखा ये पोस्ट। फोटो शेयर करते हुए अली ने लिखा, सबसे सेंसेस्ट लड़की जिसे मैं जानता हूँ, और हाँ, मुझे यह बात कहनी पड़ती है कि तुम सिर्फ मेरी हो। इसके आगे अली मजाई क्या अंदाज में लिखते हैं कि टेलीफोन उठा लो बेगम, उसी पर में ही फोन उठ जा, सिम सिम सिमा सिम फोन। अली ने इस पोस्ट में रुचा के लिए अपने प्यार का भी इजहार किया है। कुछ पंक्तियां लिखते हुए कहते हैं कि शहर बदल जाते हैं, मशरूम फियते जकड़ लेते हैं, सफ़र मोहब्बत के मामलों में आपको और भी तैनात कर देते हैं, पिछले मामले में भैया और ये मुठभेड़ कायम रहे यदि यही दुआ है, लेकिन मुझसे बिन मतलब बात करने में जो लुत्फ़ उठाता हूँ या जो आनंद मिलता है वो शायद ही कहीं मुमकिन है। अली फजल की इस पोस्ट से फैंस को लगने लगा है कि रुचा चड्ढा संग एक्टर ने शादी रचा ली है। दोनों ने सीक्रेट शादी की है और किसी को बताया भी नहीं। अली को पोस्ट से साफ तौर पर लग रहा है कि वो अपने लेडियों को मानने को कोशिश कर रहे हैं और उनसे फ़ोन उठाने के लिए कह रहे हैं।